हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहितम सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जिन बच्चों ने एमसीसी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की थी, उन बच्चों के लिए जो सेकंड प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो कि है चॉइस फिलिंग का। कि आपको जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है, मैं अभी आपको जो है लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। कैसे अपने कॉलेजेस को आपने ऐड करना है, कैसे उनको सेव कर सकते हो, तो किन किन बातों का साथ में ध्यान रखना है, वो सब कुछ मैं अभी आपको जो है वो लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में अपडेट दूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली सारी की सारी रिलेटेड इसी तरह की अपडेट्स आपका भाई आप तक जो है वो इजीली पहुंचा सके। तो बच्चों, इस तरह से आपने एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। तो जैसे ही आप एमसीसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सर्च करो, सर्च करने के बाद इस तरह का फर्स्ट लिंक आपने ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने यूजी मेडिकल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। यहाँ पे आपने अपना जो भी आपका रोल नंबर था, पासवर्ड था, सिक्योरिटी पिन जो आपने लगाया था, उसको करके यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको साइन इन करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो वो नहीं करनी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप साइन इन कर लोगे, तो साइन इन करने के बाद इस तरह का लिंक जो आपके सामने ओपन होगा, पोर्टल ओपन होगा, जहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन। तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, या तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर आएगा या फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जो भी आपने फिल किया था। तो यहाँ पे में से आपने दोनों में से एक ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करके क्या कर देना है, सबमिट कर देना, ताकि आपको जो वो ओटीपी मिल सके। जैसे ही बच्चों आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा ईमेल आईडी या फिर क्या लिखा आ जाएगा, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे अब आपने सेंड ओटीपी पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था मोबाइल नंबर को। तो जैसे ही मोबाइल नंबर को आप सिलेक्ट करोगे, आप ईमेल आईडी भी कर सकते हो, आप मोबाइल नंबर भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया था, तो सिलेक्ट करने के बाद इस तरह का ओटीपी आपके फोन पे आएगा। तो वो ओटीपी को यहाँ पे आपने क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। अगर आपको ओटीपी नहीं आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेंट ओटीपी का भी आपके पास ऑप्शन है, तो आप इसके ऊपर भी जाके वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दैट जब आपने नीट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो उस टाइम पे जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था, ठीक है, वो पासवर्ड को अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फिल करना है फॉर चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, जो भी आपने पासवर्ड जनरेट किया था, नया पासवर्ड बनाया था, उसको आपने यहाँ पे क्या करना है, जनरेट किया था, वो उसको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखा हो ना एंटर योर पासवर्ड, आप अपना यहाँ पे पासवर्ड करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो बच्चों, जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरह का पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है पर्टिकुलर आपको इंस्टीट्यूट सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, ये दो कॉलम आपको यहाँ पे दिए गए, इनमें अगर आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कर सकते हो, यहाँ पे टाइप यानी कि एमबीबीएस का है, बीडीएस का है, बीएससी नर्सिंग का है, तो यहाँ पे आप उनको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, कौन कौन से कॉलेजेस आप देखना चाहते हो, एमबीबीएस के, बीडीएस के या फिर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं भी सिलेक्ट कर सकते, नहीं भी सिलेक्ट करना चाहते, तो आप नीचे नीचे स्क्रॉल करके कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपनी मनपसंद से यहाँ पे ढूंढ सकते हो, या फिर अगर आप उनको एड्रेस के थ्रू फाइंड करना चाहते हो या फिर इंस्टीट्यूट टाइप के थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आप टिक मार्क जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप नीचे आओगे, तो इस तरह से आपके सामने ये कॉलेजेस की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे पहला कॉलेज लिखा है, दूसरा लिखा है, तीसरा लिखा है, चौथा, पांचवा, ऐसे आपको सारे के सारे कॉलेज जो वो दिखाई देंगे। ये सारे के सारे कॉलेज आपको एमबीबीएस के जो दिखाई दे रहे हैं, आप सर्च करके ढूंढना चाहते हो तो सर्च करके भी, अपना मनपसंद का कोई पर्टिकुलर कॉलेज ढूंढना चाहते हो तो वो भी आप ढूंढ सकते हो ऊपर से यहाँ से। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अगर आप स्क्रॉल करके देखना चाहते हो तो स्क्रॉल भी कर सकते हो, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। तो इनमें से आपको कोई भी जो है कॉलेज एक्सेप्ट करना है या फिर आपको कोई कॉलेज पसंद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी होगा ये कौन से कोटे में आता है, ये ऑल इंडिया में आता है, ये देखो ओपन स्टेट कोटा के अंदर आता है, ये भी ऑल इंडिया के अंदर आता है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, इस एड के ऊपर क्लिक कर देना है। जो भी कॉलेज आपको पसंद आता है, आप उसे अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर डालना चाहते हो, तो आपने एड के ऊपर क्लिक कर देना है। मान लो मुझे ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, तो मैंने इसके ऊपर एड के ऊपर जो है वो क्लिक करते चले जाना है। मिनिमम आप एक कॉलेज फिल कर सकते हो, मैक्सिमम तो आपको पता है आप जितनी मर्जी कॉलेज है वो डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से कॉलेजेस कैसे कैसे डालने हैं, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी स्पेशल वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने पीडीएफ बताई है कि वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हो कि वो जो पीडीएफ है वो कैसे मिलेगी, जो आपके लिए राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री तीनों में ही काम आएगी, जहाँ पे आप हिंट ले सकते हो कि राउंड वन में कौन कौन से कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, राउंड टू में कौन कौन से कर सकते हैं, राउंड थ्री में कौन कौन से कर सकते हैं।
और चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे आप सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सो ऐसे जैसे आप इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट के नाम जो है वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को चूज करके कोई ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। इस तरह से आपको सर्च करने का ऑप्शन भी जो यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हो, सर्च करना नहीं चाहते तो यहाँ पे लिस्ट बनती रहेगी नीचे नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने इस एड को जो है वो क्लिक करते जाना, तो जैसे ही आप एड के ऊपर क्लिक करोगे तो इस साइड ये वाली इस साइड आपकी जो है वो लिस्ट बनती चली जाएगी, जो जो आपने यहाँ पे कॉलेजेस सेव्ड की है अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर लिख की जो है यहाँ पे साइड पे जो वो लिस्ट बनती जाएगी। यहाँ पे जितने जितने कॉलेजेस आप डालते जाओगे तो यहाँ पे नीचे ऐसे इस तरह से लिस्ट बनती जाएगी, इस तरफ आपकी वो लिस्ट होगी जिसमें से आप कॉलेजेस को क्या करोगे चूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपकी जो है वो लिस्ट बनती चली जाएगी, कैसे बनेगी वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन था, मैंने इस कॉलेज को मान लो ऐड करना है तो उसका नाम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हो दो कॉलेजेस मैंने जो ऐड किए हैं उसका नाम इस तरफ आता जाएगा, और जो कॉलेज आपको ऐड करने के लिए मिल रहे हैं वो आपका नाम इस साइड पे आएगा, यहाँ पे आएगा। जो आपकी लिस्ट बनेगी वो इस साइड यहाँ पे जो है साथ साथ बनती चली जाएगी कि आप किन किन कॉलेजेस को जो है वो ऐड कर रहे हो। इस तरह की लिस्ट आपके सामने जो बनकर तैयार हो जाएगी कि आप किन किन कॉलेजेस को जो है वो डाल चुके हो। तो यहाँ पे जैसे पहले नंबर पे ये कॉलेज डाला है, दूसरे पे ये डाला है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवें पे ये है, छठवें पे ये है, सातवें पे ये है। तो इस तरह की पूरी जो लिस्ट है वो बनकर आपके सामने जो तैयार हो जाएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये एमबीबीएस का एमबीबीएस का है। तो इस तरह का सारा पर्टिकुलर डाटा जो वो आपके सामने शो हो जाएगा, जो अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर जो है आप डालते चले जा रहे हो। तो जैसे ही आप डाल दोगे, डालने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे एक पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा क्लियर चॉइस नंबर। अगर आप कोई कॉलेज को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लियर चॉइस नंबर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आया या फिर आपका कोई गलती से डल गया तो आप यहाँ पे क्लियर चॉइस कर दो, अदरवाइज आपका सारे ओके होंगे या सब कुछ आपको ठीक लग रहा है तो आप यहाँ पे जो है वो सेव का ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आपको साइड पे यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस जो आपने सबमिट किए हैं या कि अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर डाले हैं। जैसे इन्होंने डाले थे 7 कॉलेज, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी कॉलेज है वो डाल सकते हो, एमबीबीएस के डाल सकते हो, बीडीएस के डाल सकते हो, बीएससी नर्सिंग के डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेव कर देना है। तो अगर आप एज ए प्रूफ के लिए यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ से देखो प्रिंट का ऑप्शन भी है, तो आप प्रिंट भी जो है जरूर निकालें डेफिनेटली, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास एज ए प्रूफ रहे कि आपने चॉइस फिलिंग के अंदर कौन कौन से जो कॉलेजेस है वो डाले थे। तो सेव कर सकते हो आप, ठीक है। लॉक आपकी मर्जी, आप लॉक करना चाहो तो लॉक कर सकते हो, अगर सेव करके भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। सेव करने का मतलब ये होता है कि अगर आप शाम को या अगले दिन कोई कॉलेज को चेंज करना चाहते हो या ऊपर नीचे करना चाहते हो तो आप दोबारा से एडिट जो है वो कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार आपने लॉक कर दिया तब आप कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेव नहीं भी करते हो जैसे कि मैंने बताया आपको ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी सेव करके उसका एक बार प्रिंट आउट जो है वो निकाल लेना एज ए प्रूफ के लिए। तो इसके अलावा कोई और मेजर अपडेट आती है तो आपका भाई डेफिनेटली आप तक पहुंचा देगा। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट कोई क्वेरी है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।